प्रभु की पावन चर्चा की ओर गौर करते हैं कि कैसे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, क्योंकि ये रामचरितमानस क्या हमें सीखती है कि प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को कैसे यहाँ पर आना पड़ा, किन किन कारणों के लिए आना पड़ा, हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्योंकि एक बार भगवान इनके कारणों से आना उनको पड़ा है। जैसे कि कहते हैं कि जब जब भूमि पर पाप अत्याचार बढ़ता है और तब तब मेरे प्रभु को आना पड़ता है, किन इन्हीं के कारण प्रभु मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम को आना पड़ा कि जब भूमि पर ज्यादा अत्याचार बढ़ता है तब मेरे प्रभु को आना पड़ता है। जब जब हो धर्म के हानि और बढ़ई अधम असुर अभिमानी, प्रभु सब साजन पीरा, राम प्रिया राम प्रिया राम जय जय राम, राम प्रिया राम प्रिया राम जय जय राम। हाँ, मंगल भवन दस रति अजर बिहारी, कि जब ज्यादा अत्याचार बढ़ता है और उसी प्रकार से प्रभु को आना पड़ता है। कि त्रेता युग में पापी जैसे रावण जैसे पापी इतना अत्याचार जुल्म ढाते हैं, सभी देवता आज परेशान हो गए, इतना पापी रावण अत्याचार मचा रहा है, बहुत ही अत्याचार मचा रहा है। कथा तो रामचरितमानस ने सबनी सुनी है, पर उससे ये तो सभी सुनते हैं कि जो ही रावण अत्याचार करता है। पर एक बात गुण में आपको बताना चाहती हूँ कि ये तो सभी जानते हैं कि राम का विवाह हुआ और विवाह होने के बाद में सीता हरी गई और सीता हरने के बाद लंका गई। पर ये आपको आपने जरूर सुना होगा, पर सीता जी सोने की लंका में गई क्यों? भाई कोई विशेष कारण रहा होगा तब तो सोने की लंका में गई। लेकिन एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रावण जो था ये सोने की लंका में रहता था, ये सीता जी को सोने की लंका में लेकर क्यों गया, किस कारण से लेकर गया? कोई वजह तो रही होगी, वो वजह कौन थी? क्योंकि सीता मैया तो रावण की बेटी थी, पर
कुछ कहते हैं कि सीता को अपनी पत्नी बनाने के लिए रावण लंका ले गया था। क्या रामचरितमानस यही कहती है? सीता मैया क्या कमजोर थी रावण से? नहीं, अगर सीता मैया चाहती तो रावण को भस्म कर सकती थी। क्यों? अगर वो चाहती तो भस्म कर सकती थी। अरे रावण की क्या औकात थी कि सीता मैया को पकड़कर अपने वाहन में बिठा लेती? क्योंकि ये मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला थी। क्योंकि वो जब लीला रचते हैं तो किसी को बताते नहीं है। मैं आपको एक ऐसा गुण रहस्य सुनाऊंगी कि शायद आपने सुना हो कि ये तो सभी जानते हैं कि मैं इनकी बाल लीलाओं का भी वर्णन करूंगी, लेकिन ये विशेष सुने, सुनाऊं तो भी ना सुनाऊं तो भी, कि रावण जो है सीता जी को लंका क्यों ले गया? क्यों सीता जी गई लंका? एक बार सीता जी, क्योंकि सीता जी को श्राप मिला हुआ था, इसी के कारण वो लंका में, यानी सोने की लंका में गई थी। एक बार अपनी सखी के साथ में सीता मैया गई थी। छोटी सी सीता मैया थी, क्योंकि राजा दशरथ की इधर कोई औलाद नहीं होती, कोई संतान नहीं होती है। गुरु के आश्रम में जाकर इन्होंने कहा तो वही गुरुदेव ने इनको बता दिया कि तुम पुत्रिष्ठ यज्ञ रचाओ और उसी में तुम्हारा हित होगा और तुम्हारा पुत्र होगा। पर जिस समय उन्होंने ये बात को समझ कर पुत्रेष्ट यज्ञ रचाया, उसमें अग्निदेव प्रकट हुई। अग्निदेव प्रकट होकर के और सुंदर सी खीर का प्रसाद दिया। खीर का प्रसाद तीनों देवियों ने खाया, तीनों गर्भवती हो गई। और उसके पश्चात भगवान ने फिर जन्म लिया। जन्म लेने के बाद में वो धीरे धीरे अपनी बाल लीलाओं का वर्णन करने लगे। और वो कैसी ठुमक ठुमक करके आंगन में चलते हैं, देखिए हम ये भी प्रसंग आपको सुनाएंगे। क्योंकि ये जब भगवान ठुमक ठुमक कर चलते हैं और कैसे लगते हैं, एक बार जैसे कन्हैया जी ने एक बार मांग कर दी थी कि हमें चंदा चाहिए, और वही जिद करने के बाद में भगवान जब धीरे बड़े हुए हैं और बड़े होने के बाद में, और मैया उन्हें चुप कराने के लिए क्या कहती हैं कि तुम चुप हो जाओ। और देखिए हम अभी कुछ ही छड़ों में आपको ये प्रिय प्रसंग सुनाऊंगी कि सीता मैया क्यों सोने की लंका में गई। ये सोने की लंका थी किसकी, पता है किसी की? सोने की लंका ये पहले किसकी थी और रावण की कैसे हुई? हम ये भी आपको प्रसंग सुनाऊंगे। तो भगवान का इधर कैसे जन्म होगा और कैसे मैया के गर्भ से जन्म होले, क्योंकि मैं चर्चा ही चला रही हूं। क्योंकि सभी देवता जो थे वो परेशान हो गए, क्योंकि रावण ने इतना अत्याचार किया था। अत्याचार करने के बाद ही वो सभी देवता भगवान के लोक में गए, त्राईमा त्राईमा करने लगे, त्राईमम त्राईमम जप करने लगे, पुकार करने लगे, प्रभु हे मेरे वैकुंठाधिपति, हम पर इतने जुल्म कष्ट हो रहे हैं, उनका निवारण करो। सभी देवता हाथ जोड़ करके विनय करने लगे, सांस तक नहीं ले पाते, इतना पापी रावण अत्याचार करता है। वैकुंठाधिपति आज अपने शरसिया यानी नांग पर सो रहे थे, मैया लक्ष्मी चरणों को दबा रही थी। सभी देवताओं ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आपकी दुनिया में हम जैसे देव सताए जा रहे। भगवान तुम्हारी दुनिया में हम दीन सताए जाते हैं।
दुनिया में जो अत्याचार हो रहे हैं, कैसे बताएं? क्या हुआ? जाकर के जवाब देने लगे, प्रभु पापी रावण इतना अत्याचार कर रहा है, संतों को इतना पीटता है, आश्रम में आग लगा देता है, और हम जैसे तीन दुखियों पर आप दया करें। अगर ऐसा ही अत्याचार होता रहा तो हम सब कहां जाएंगे? प्रभु ने कहा चिंता मत करो, हम अति शीघ्र ही लौट कर अयोध्या में आएंगे। जाइए, तब तक बन करके आप वानर का रूप ले लो और जंगलों में अपना समय व्यतीत करो। आज्ञा पाई, वन में आती, वानर का रूप बना लिया। वानर का रूप बना करके जैसे याज आकर के जंगलों में अपना समय गुजारने लगते, और वो भी प्रभु कहने लगे कि देखिए हम जिस समय बताया है कि जाइए, कश्यप ऋषि ने हमसे वरदान को प्राप्त किया है, और वही हम अयोध्या में अति शीघ्र ही लौट कर आएंगे। जिस समय देवताओं को समझा दिया, समझाने के बाद में तुरंत याज वो वहां से जब चलाते हैं और जंगल में अपना धीरे धीरे समय व्यतीत करने लगते हैं। जब समय धीरे धीरे काफी बड़े आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो आज तक प्रभु आए नहीं, तो सभी देवताओं ने हाथ जोड़ करके कहा कि अब तो हमें प्रभु के दर्शन करने के लिए मेरी आंखें ललायित हो रही है और प्रभु अभी तक नहीं आए। हमको बता दिया कि जंगलों में अपना समय व्यतीत करो, मैंने आज वानर का रूप बना करके अपना समय व्यतीत करने लगे, और फिर आज सभी देवता हाथ जोड़ करके नमन करने लगे और प्रभु से निवेदन और हाथ जोड़ कर प्रार्थना करते कि हे प्रभु मेरी पुकार सुनिए और जल्दी अयोध्या में लौट कर आइए कि तेरे दर्शन को भगवान हमारी अखियां हैं परेशान की तेरे दर्शन को भगवान हमारी करते हैं प्रभु तुम हो सब में धनुष नभ में तुम घट घट में हम संकट में
सब में धनुष नभ में तुम घट घट में हम संकट में कि भूले कैसे कृपा निधान हमारी पकिया है करते हैं और प्रभु से नमन करते हैं। प्रभु कहते हैं अब सभी देवता बड़े परेशान मुझे चलना चाहिए क्योंकि इधर राजा दशरथ की तीन जो है पत्नियां, वैसे तो इनकी पत्नियां 700 थी। कितनी? 700 उपरानियां, पर रानियां तो तीन ही हैं, माता कौशल्या, सुमित्रा और केकई। जब राजा दशरथ की कोई संतान नहीं हुई, लेकिन एक बात और है कि इनकी पहली एक संतान थी, उसका नाम, क्योंकि इनकी पहली एक बेटी थी जिसका नाम शांता था। ये राजा दशरथ की पहली पुत्री थी, लेकिन जब इनका विवाह हुआ तीनों रानियों से, तब इनके कोई औलाद नहीं हुई है, क्योंकि मैंने कहा ना 700 पटरानी उपरानियां थी। इन्होंने गोद दे दिया संत शांता को, और इसीलिए ज्यादा इनका नाम रामचरित में नहीं चलता है, रामचरित मानस में नहीं आता है, क्योंकि ये जब शादी इनकी हुई है तीनों रानियों के, जब इनके कोई संतान नहीं हुई तब परेशान हो गई, क्योंकि दुनिया के तिबाज है। राजा दशरथ ने एक दिन सोचा क्या करें, और वही अपने कक्ष में लेट करके चुपचाप लेटे हुए तीनों रानियों ने देखा कि मेरे स्वामी चुपचाप क्यों लेटे, इसका कारण पूछा। राजा दशरथ ने कहा रानी मेरे कोई संतान नहीं है, मैं संतान के बगैर बहुत दुखी रहता हूँ, ऐसा कीजिए चलिए गुरुदेव के पास चली। और वही गुरुदेव के पास में जा करके सारा समाचार बताते तो गुरुदेव ने कहा आप एक काम करें, आप जा करके घर में पुत्रेष्ट यज्ञ रचाइए और सभी को वहां पर बुला लीजिएगा। जैसे ही इतना शब्द गुरुदेव ने समझाए, और वही समझाने के बाद राजा दशरथ वापस लौट कर आए और आकर के तुरंत कहने लगे पुत्रेष्ट यज्ञ की पूर्ण तैयारी कर दी, पुत्रेष्ट यज्ञ रचवा दिया और सभी को इसमें आमंत्रित कर दिया। दूर दूर के राजागण, सभी देवी देवता वहां पे आ गए, उपस्थित हो गए, सभी देवी देवता वहां पर उपस्थित हो गए, पुत्रेष्ट यज्ञ प्रारंभ हो गया। गुरुदेव को भी बुला लिया, उसमें अग्निदेव प्रकट हुए, अग्निदेव प्रकट हुए तो उसमें खीर का चारू लेकर प्रकट हो गए, सभी जय जयकार करने लगे। अग्नि देव झट से प्रकट हो गए, अग्नि देव झट से सबको दे गए का परिषाद, सबको दे गए, तीनों रानियों को देना तुम
से प्रकटवा। अग्निदेव ने प्रकट होकर के खीर का चरूर लिया, कहा देखिए राजा दशरथ, तीनों रानियों को दे दो, कोई रानी छूटनी नहीं चाहिए। प्रसाद आज राजा दशरथ ने लिया तो बड़े मग्न हो गए। तीनों रानियों को दिया, तीनों रानियां आंगन में खड़ी हैं लेकर के प्रसाद को। जिस समय प्रसाद लेकर खड़ी थी वो चिल्लाई और सुमित्रा के हाथ से जो प्रसाद था वो लेकर के चले गए, कुछ जमीन में बिखर गया, कुछ लेकर के चले। जैसे ही लेकर के जब चले गए और इधर सुमित्रा का हाथ खाली हो गया। अब देखिए दोनों रानियों ने सोचा कि मेरी बहन का हाथ खाली हो गया, मेरी बहन के हाथ में वो खीर का चारूर नहीं है, और जिस समय चारूर नहीं देखा तो क्या हुआ। जिस समय तीनों दोनों रानियों ने देखा तो क्या हुआ, अपने में से भाग थोड़ा निकाल करके सुमित्रा को दे दिया। जा दिन ते प्रभु गर्व ही आए, क्योंकि वो प्रसाद दिया और प्रभु खा करके प्रसाद को वो तीनों देवियां गर्भवती हो गई। और देखिए जिस समय भगवान गर्भ में आए तो सभी समाचार प्रवासियों को मिलता, बड़े खुश होते हैं। जा दिन ते प्रभु गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति पाए। सकल लोक सुख संपत्ति चाए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, श्याम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय। जिस समय प्रभु गर्भ में आए हैं, गर्भ में आते ही मैया अपने कक्ष में घूमने फिरने लगती हैं। वो तिथि और वो ग्रह आज भगवान कितने और किस समय आए हैं, भगवान दिन के समय में जन्म लेते हैं, और जिस समय शुक्ल पक्ष भगवान नौमी को जन्म लेते हैं, और भगवान 12 बजे दिन को लेते हैं जन्म। अब देखिए माँ कौशल्या के गर्भ से कैसे इनका प्रकट्य होता है, किस प्रकार से आज भगवान मेरी मैया के गर्भ से जन्म लेते हैं। और देखिए कि मेरी मैया के गर्भ से प्रभु जन्म ले रहे हैं, तो सभी मीठी मीठी तालियों को बजा करके और अपने मुख से बोलेंगे कि मेरे भगवान कैसे मैया कौशल्या के गर्भ से जन्म ले रहे। बोली सिया बलराम चंद्र की जय हो। और कहना है प्रभु कैसे जन्म लेते हैं, नौमी तिथि को प्रभु शुक्ल पक्ष नौमी तिथि।